लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माल आ गया है, लेकिन इस बार संभाल के।
सेठ भाग गया। मैं जानता हूं वो कहां गया। मैं एसीपी राठौड़ क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। सर ये सारा माल जब्त कर लीजिए। हम लोग बाहर किला जा रहे हैं। हाँ, आप कंट्रोल रूम फोन कीजिए, बोली फोर्स वहां फौरन भेजें। जी सर। चलो उठ। हेलो हेलो कंट्रोल कंट्रोल रूम। हेलो निकलूं, दरवाजे पर वो लोग हैं। कदम तुम ऊपर जाओ और जैसे ही फोर्स आए मुझे बताना। यस सर। यादव बज्जू तुम लोग यहीं रुको, सलीम तुम मेरे साथ आओ। हाँ सर। मूव। गोली चलाना बंद करो। बंद करो मिर्ची, अपने आदमियों से कहो गोली चलाना बंद करें। हाँ हुकुम, बंद करो फायरिंग। गुलफाम हसन, मैं तुम्हें मेजर बेग और मिर्ची सेठ को इस मुल्क में आतंक फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। बचने का कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को सरेंडर कर दो। ये कैसी बातें कर रहे हो अजय, बिना किसी सबूत के तुम हम पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हो। सबूत है ये सेठ, ये देशद्रोही मिर्ची सेठ और हाजी तो हमारे कब्जे में है। यादव कौन है ये, हम तो इसे जानते भी नहीं है। और सेठ यहां का बाशिंदा है इसलिए इसको पहचानते हैं हम, लेकिन ये इस वक्त यहां क्या कर रहा है आप इसी से पूछें। ये क्या सबूत है अजय सिंह, तुम्हारे इस मिर्ची सेठ और उस हाजी को तो मैं पहचानता तक नहीं। कैप्टन शफी को तो पहचानते हो, तुम्हारे मुल्क की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कैप्टन जिसके तुम मेजर हो। हमने इसे रंगे हाथ हथियार लाते पकड़ा है, अब तुम्हारे इस आतंक के खेल को हम दुनिया के सामने रखेंगे। ये मत भूलो अजय सिंह कि मैं एक डिप्लोमेट हूं, अपने मुल्क का नुमाइंदा, तुम्हारे मुल्क का सरकारी मेहमान, तुम्हारी सरकार के बुलावे पर मैं यहां आया हूं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, और अगर गलती से भी तुमने मुझे छुआ तो इसका अंजाम तुम्हें वहां इस्लामाबाद में दिखाई देगा। सर इन्हें रोक देते यहीं पर, फोर्स अभी आती होगी फिर ये कहां जाएंगे। गुलफाम हसन के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, छूट जाएगा साला। उड़ा देते हैं सबको सर, कह देंगे एनकाउंटर में मारे गए। नहीं सलीम, मैं इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। होड़ जा रही है सर, होड़ जा रही है। सलीम अपनी बंदूक मुझे दो। तुम शायद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की अहमियत नहीं समझ रहे हो अजय। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहीं भाड़ में, वो तुम्हारे काम तब आएगी जब तुम जिंदा बचोगे, और जिंदा बचने का मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका देता हूं। ये गुलफाम हसन जिस पर हमने इतना भरोसा किया, जिसे हमने इतना मान सम्मान दिया, इसने मुझसे और मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है। मैं इसे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो गुलफाम हसन को खत्म करो, मैं तुम्हें और शफी को जाने दूंगा। लेकिन तुम खुद क्यों नहीं खत्म कर देते इन्हें। क्योंकि इस मुल्क का कानून मुझे खून करने की इजाजत नहीं देता। क्या गारंटी है कि गुलफाम साहब को मारने के बाद तुम मुझे यहां से जाने दोगे। कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हो बेग। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा बेग, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। सर 5 मिनट में फोर्स पहुंच जाएगी, जल्दी करो बेग, एक दफा फोर्स आ गई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लो पिस्तौल और खत्म कर दो गुलफाम को। बेग बेग बेग, द
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पिस्तौल उठाने जा रहे हो, मुझे गोली मारोगे? जानते नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ गुलफाम साहब, लेकिन गवाहियों के लिए सिपाहियों को तो नहीं खोया जाता, और वैसे भी आपके मरने से हमारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं ही नहीं, आप तो मुहाजिर हैं। अच्छा अच्छा, मैं अब तक मुहाजिर नहीं था, आज जान पे बनाई तो मैं मुहाजिर बन गया। कमबख्त, देख मैं मुहाजिर बन गया आज तुम्हारे लिए। सेठ मार डालो इसे, सेठ मार डालो इसे। सेठ तुम बीच में मत पड़ना, ये इनका आपस का मामला है, मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा, और वैसे भी इस वक्त तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम हमारा साथ दो। अजय अजय मेरी बात सुनो, मैंने दो दफा तुम्हारी जान बचाई है सेठ के हाथों, ये जिसे तुम सरकारी गवाह बनाना चाहते हो, तुम्हें मार डालना चाहता था, उसका तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। अजय अजय, अजय ये अच्छा खेल खेला तुमने। अजय हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा, ये खून करवा दिया तुमने मुझसे, ये गुनाह अजीम मेरे हाथों हुआ है। आज हमने एक पिस्तौल दी तो गुनाह का एहसास हो रहा है, और तुमने जो सैकड़ों हथियार सरद के इस पार भेजे उसका कुछ नहीं। गुलफाम हसन, इस मुल्क ने तुम्हें प्यार और इज्जत दी, रुतबा दिया, और बदले में तुमने क्या दिया? हैवानियत का माहौल, खून खराबा। हमने तुम्हें कातिल नहीं बनाया गुलफाम हसन, तुम पहले से ही गुनहगार थे, हमने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे से फनकार का नकाब उतारा है। हम सच्चे फनकार हैं, सारी दुनिया जानती है। जानती थी, आज के बाद सारी दुनिया सिर्फ तुम्हें एक धोखेबाज और कातिल के रूप में जानेगी। तुम गुनहगार हो और गुनहगारों की तरह सजा भी पाओगे। आज तुम जिस जगह खड़े होकर हम पे हुक्म चला रहे हो, यहां कभी हमारे पुरखों की हुकूमत चलती थी, इसी हवेली में रियाज करके हम बड़े हुए, राज किया है हमने यहां, और एक दिन बिला वजह भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ दिए गए हम लोग यहां से। रातों रात किसी को घर से बेघर कर देना यह गुनाह है, किसी से उसका सब कुछ छीन लेना यह गुनाह है, किसी को यतीम कर देना यह गुनाह है। 50 साल पहले हमारे साथ जो हुआ वो गुनाह था। हाँ हाँ गुनाह था, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वो बंटवारे की वजह से हुआ, और तुम अकेले नहीं थे जिसके साथ ऐसा हुआ, लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, अनाथ हुए, और ये दोनों तरफ के लोगों के साथ हुआ। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग आज भी पहले जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, आज भी धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब कभी नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। गुलफाम हसन, बंटवारा हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं था, हम उसे एक दर्दनाक हादसे की तरह, एक सदमे की तरह याद करते हैं, लेकिन जब भी हम उस सदमे से उभरने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे साथी नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, पुराने घाव को फिर से हरा कर देते हैं। हाँ, और करते रहेंगे, हमारे घाव बहुत गहरे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं भरने वाले। हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी आने वाली पुश्तें हमेशा याद रखें उन जुल्मों को जो हम पे और हमारी कौम पे हुए हैं, इसलिए हर बार जब हमारे भेजे हुए औजार मौत बरसाएंगे तब तुम्हें एहसास होगा उन जख्मों का, उस दर्द का जो हमें और हमारी कौम को मिला है। कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम गुलफाम हसन, और किस कौम की बात कर रहे हो तुम, तुम्हारी कौन सी कौम? अगर तुम मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहां हिंदुस्तान में है। तुम्हारी भेजी बंदूक से निकली गोलियां किसी का धर्म पूछकर से नहीं मारती, तुम्हारी गोलियों से मुसलमान भी मारे जाते हैं, और तुम्हारी हरकतों से वो बदनाम होते हैं। खून खराबा फैलाकर तुम अपनी कौम की कोई मदद नहीं कर रहे गुलफाम, बल्कि तुम्हारा ये कौम की बात करना एक ढोंग है। तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते, तुम और ये मिर्ची सेठ,
साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था हरामज़ादा। तुम जैसे लोग दुश्मन होते हैं सारी इंसानियत के। गुलफाम हसन, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम जैसे इंसान को मैंने अपना दोस्त समझा। सलीम, अरेस्ट हम। वाहिद कस्बे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। दुनिया भर में उनके चाहने वालों को इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने अपने वसीयत नामे में वाहिद वहीं शव को वहां लाने की मांग की। सरकारी सूत्रों के अनुसार उनका संबंध कुछ राष्ट्र विरोधी। विश्वास नहीं होता गुलफाम साहब जैसे बड़े कलाकार ऐसा कर सकते हैं। कलाकार भी तो इंसान ही होते हैं, और इंसान सही भी होते हैं गलत भी। अरे इंस्पेक्टर सलीम, इधर भी। मैं तो इधर हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? दुबई जा रहा हूँ। दुबई? दुबई आजकल नया शुरू किया ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। लेकिन अच्छा हुआ साहब आप मिल गए। जाते जाते आपको एकदम सॉलिड इन्फॉर्मेशन देके जाता हूँ। वो विरन है ना? विरन वो आजकल इधर है। किधर? डोंट माइंड। और कितना टाइम लगेगा? बस अभी आते होंगे। पता है माने गाजर का हलवा बनाया है। एक्सक्यूज मी सर। वीरन, सीमा एक काम करना, घर जाके माँ को बोलना कि खाना टेबल पे लगा दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है। डोंट माइंड।